Now we are going to deal with part 3 of Glimpses of India, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Okay, so here is a conversation between Pranjal and Rajveer. Both are best friends and Rajveer is going to the Assam for the first time with Pranjal. Okay. So going way to Pranjal's home, a tea estate in Assam. Okay, Pranjal was living at Assam and Rajveer is going with him. A hawker selling hot cups of tea came to their train compartment window. ओके एज यूजुअल ट्रेन्स में हम लोग देखते हैं कि टी सेलर जो हैं वो आते हैं और हर कोई उस कंपार्टमेंट में जो है इज हैविंग अ टी कप ऑफ टी. ओके एंड प्रांजल ऑर्डर टू कप्स ऑफ टी ऑल्सो. प्रांजल भी ऑर्डर देते हैं. डू यू नो एज दे स्पाइड देयर टी राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट अबाउट 80 crore कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम्ड एवरी डे इन द वर्ल्ड. इस तरह से जब उन दोनों में कन्वर्जेशन हो रहा है तो राजवीर जो है वो बताते हैं प्रांजल को रोज डेली जो है 80 crore कप्स ऑफ टी जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो. एंड प्रांजल प्लीजेंटली सरप्राइज्ड कमेंटेड ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ टी की टी कितना पॉपुलर है इस चीज़ को लेकर उनमें क्योंकि दे वर गोइंग टू आसाम सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट दिस मेन पॉपुलर थिंग ऑफ आसाम इज टी एंड द टी गार्डन्स ओवर देयर. सो एज द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन प्रांजल वेंट बैक टू रीडिंग अ डिटेक्टिव नॉवल. अब प्रांजल जो है वो अपना रीड बुक रीडिंग में बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैमिलियर है. वो कई बार यहाँ से ऑन द वे देख चुके हैं ये सारे सीन्स वगैरह. लेकिन राजवीर जो है इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू द आसाम सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन लुकिंग द सीनरी आउटसाइड. एंड एज अ बॉय हु ग्रो अप इन दिल्ली ही हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और राजवीर जो है क्योंकि दिल्ली से बिलोंग करते थे तो उन्होंने पहले कभी इतनी ग्रीनरी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस नहीं देखी थी. सो ही डोंट वांट टू इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक. इंस्टेड ही वांट टू सी द आउटसाइड ग्रीनरी. ही वॉच्ड एज पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. टी गार्डन्स जो ऑन द वे आ रहे हैं उनको देख रहे हैं वो एंड फीलिंग वेरी एक्साइटेड. एंड द व्यू वॉज मैग्निफिशेंट वेरी ब्यूटीफुल एंड कंप्राइजिंग हिल्स टॉल ट्रीज एंड ग्रीन टी फील्ड्स. ओके ग्रीन फील्ड्स थी टी फील्ड्स वर ओवर देयर. देन अ बिल्डिंग विथ स्मोक इमिटिंग फ्रॉम इट्स चिमनीज केम इन टू व्यू. फिर कुछ बिल्डिंग्स भी बीच में ऑन द वे आती हैं जिनके की चिमनी से जो है स्मोक एमिट हो रही है आ रही है बाहर और बहुत वेरी गुड स्मेल ओवर देयर ऑफ द टी. एंड राजवीर हु हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर एंथुसियास्टिकली मीन्स एक्साइटेडली पॉइंटेड इट आउट टू प्रांजल. और वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं वो प्रांजल को भी कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस वॉज. एंड प्रांजल यूज टू सच साइट्स इन्फॉर्म हिम दैट दे वर इन आसाम which contained the highest number of tea plantations in the world. ये places जो हैं ये sites जो हैं आसाम में भी काफ़ी तुम्हें देखने को मिलेंगी और यहाँ से highest number of tea जो का उनका जो plantation है वो इस world में सारा यहीं से होता है. ओके आसाम से. एंड राजवीर then narrated a few legends means few stories he had come across while reading on the topic of tea. जब उनका ये topic शुरू होता है tea को लेकर तो वो और भी कई stories इससे related बताते हैं कि कैसे इसकी discovery हुई first time tea का invention कैसे हुआ. and one of the stories was अ चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक चाइनीज एम्परर था जो पानी पीने से पहले हमेशा उसको बॉयल करता था. वन डे अ फ्यू टी लीव्स फेल इनटू द पॉट एंड गिविंग द वाटर अ डिलीशियस फ्लेवर. ओके एक दिन उनके उस बॉयल वाटर में ऊपर से कोई एक टी लीव जो है आकर उसमें गिर जाती है और उस पानी का जो कलर है वो फ्लेवर जो है चेंज हो जाता है. इट्स वेरी गुड फ्लेवर. एंड इंडियन लीजेंड ऑन द अदर हैंड नरेट्स द स्टोरी ऑफ बुद्धम एंड ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क who cut off his eyelids to stay awake during meditation. उन्होंने अपनी eyelids भी cut off करवा दी थी जिससे कि उनको meditation में उनको problem नहीं हो. According to Buddhist monk, ये इस तरह की कुछ stories हैं tea को लेकर. एंड टी 10 tea plants emerged from his eyelids. और इस तरह से उनके eyelids से जो है the leaves were boiled with water to make a drink that banished sleep. और उन वो जो grow हुई थी tree leaves उनको बॉयल करने से वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर उनके सामने आ गया था. एंड राजवीर देन टोल्ड प्रांजल दैट द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC. सबसे पहले चाइना में ये जो है टी ड्रिंकिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था 2700 BC में. इनफैक्ट द वर्ड्स चाय एंड चीनी केम फ्रॉम द चाइनीज लैंग्वेज. ओके चाय वर्ड और जो चीनी वर्ड है ये चाइनीज लैंग्वेज का है. एंड यूरोपियंस ओनली डिस्कवर्ड टी इन द 16th century. ओके चाइना में 2700 BC में यूरोपियन में 16th century में. एंड इवन देन
दे कंसिडर्ड इट मोर ऑफ अ मेडिसिन देन अ बेवरेज. ये सिर्फ एक बेवरेज के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक या इसके ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग नहीं, ये एक मेडिसिन के उस पर भी यूज़ की जाती थी टी. द ट्रेन नाउ रीच मैरनी जंक्शन वे प्रांजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द टू बॉयज. और फाइनली ये असम पहुँच चुके हैं दोनों के, इनके प्रांजोल के जो पेरेंट्स हैं आर वेटिंग ओवर दे ऑन द स्टेशन. एंड टुगेदर दे ड्रो टूवर्ड्स देखी अबरी टी एस्टेट एंड द एस्टेट मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर. वो जो एस्टेट मीन्स प्रॉपर्टी, ये जो पूरे फील्ड्स हैं, टी गार्डन जो हैं प्रांजोल के फादर ही मैनेज करते थे. और वो वहाँ से जब ऑन द वे निकलते हैं तो ये सारे टी गार्डन्स उनको राजवीर को दिखाए जाते हैं. एंड एज दे एंटर्ड द एस्टेट दे सॉ नीटली कट टी प्लांट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. दोनों तरफ से एकदम नीट एंड क्लीन वे में कट किया हुआ है पूरा गार्डन. और कुछ टी प्लकर्स भी हैं जो टी की लीव्स जो हैं उनको बीनना, मतलब इकट्ठा करना. एंड द टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स एंड प्लास्टिक एप्रॉन्स वर बिजीली प्लकिंग न्यूली ग्राउंड टी लीव्स. एंड द राजवीर लुकिंग एट द सीन एंड आस्क प्रांजोल्स फादर वेदर दिस वॉज द सेकेंड फ्लश द क्रॉप विच ब्लूम फ्रॉम मे टू जुलाई एंड प्रोड्यूस द बेस्ट टी. ये एक सेकेंड फ्लश था, मीन सेकेंड राउंड था जब ये टी प्लांटेशन हो रहा था. और मेनली मे टू जुलाई में ये प्रोड्यूस बेस्ट टी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर मे टू जुलाई में. ओके और ये टी क्रॉप जो है वो सेकेंड राउंड में कट होने जा रही थी. एंड प्रांजोल्स फादर सरप्राइज्ड कमेंटेड ऑन राजवीर्स नॉलेज ऑफ टी. और प्रांजल फादर बहुत सरप्राइज होते क्योंकि एक दिल्ली में रहने वाला जो लड़का है उसको इतना नॉलेज है उस टी गार्डन्स को लेकर. एंड राजवीर एक्सेप्टेड दी प्रेज, जो उसको अप्रिशिएट किया प्रांजल के फादर ने, वो उसको अप्रिशिएट उसको एग्री होते हैं. एंड हाउएवर ही सेड स्माइलिंगली ऑल्सो होप टू लर्न अ लॉट मोर ड्यूरिंग हिज. और जितना भी राजवीर वॉज गोइंग टू स्टे देयर एट आसाम ही लर्न मोर लर्न अ लॉट मोर ड्यूरिंग हिज स्टे. ओके जितना भी वहाँ रुकेंगे वो और ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं, उस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में. सो इन दिस वे देर इज अ ग्लिम्स इज गिवन अबाउट द टी गार्डन ऑफ आसाम. ओके हाउ द टी इज़ टू बी डिस्कवर्ड एंड हाउ द टी इज़ टू बी पॉपुलर. फर्स्ट कहाँ पर यूज़ हुई ये टी और वह पूरे वर्ल्ड में कितना कप ऑफ टी, कितना टी यूज़ होता है. All this, everything is given about the tea garden and tea in this chapter. Okay, go through it again. Thank you.